पुलिस मुख्यालय का आदेश। बांदीकुई थाने में वर्षों से पड़े वाहनों का अगले 2 माह में किया जाएगा डिस्पोजल। वर्षों से पुलिस थानों की खूबसूरती में दाग लगाने वाले क्षतिग्रस्त वाहनों का जमावड़ा अब आने वाले 2 महीने में दिखाई नहीं देगा। इसके लिए पुलिस मुख्यालय जयपुर ने सभी थानों में वर्षों से पड़े वाहनों के डिस्पोजल करने के निर्देश जारी किए। यह अभियान प्रदेश के सभी थानों में चलेगा। एक्सीडेंट मुकदमा सहित अन्य प्रकार के आपराधिक वारदातों में पुलिस वाहनों को जब्त कर लेती है, लेकिन वर्षों तक ये थाने में पड़े रहते हैं। हालात ये हो गए हैं कि किसी थाने में 40 साल से तो किसी में 30 साल से वाहनों का जमघट लगा हुआ है। ये वाहन खुले आसमान के नीचे पड़े रहने के कारण जर्जर भी हो गए हैं। ऐसे में थानों में जाने पर इन वाहनों का बेतरकीब जमावड़ा थाने की सुंदरता पर भी सवाल या निशान लगा रहा है। ऐसे में अब पुलिस मुख्यालय जयपुर ने आने वाले 2 महीने में इन वाहनों का डिस्पोजल करने के निर्देश दिए हैं। बांदीकुई पुलिस थाने में भी निर्देश मिलने के बाद वाहनों का डिस्पोजल करने की तैयारी शुरू हो गई है। बांदीकुई में 170 से अधिक वाहन। डिप्टी एसपी उदय सिंह मीणा ने बताया कि थाने में जब्त वाहन किस थाना क्षेत्र का है, इसकी जांच कर उसे वहां भेजा जाएगा। इसके अलावा किन किन लोगों के वाहन जब्त हो और लंबे समय से इन्हें लेने नहीं आ रहे हैं, इनकी जानकारी को लेकर नोटिस भेजा जाएगा। बांदीकुई पुलिस थाने में करीब 170 से अधिक वाहन जब्त हैं। इनमें सर्वाधिक बाइक हैं। कई वाहन तो यहाँ 30 साल से खड़े हैं। किरायेदारों का भी होगा डोर टू डोर सर्वे। इस अभियान के अंतर्गत पुलिस शहर में रहने वाले किरायेदारों का भी डोर टू डोर सर्वे करेगी। पुलिस इसकी जानकारी अपने पास रखेगी। वहीं हर घर में जाकर पुलिस सर्वे करेगी कि किन लोगों के पास कितने वाहन हैं। वहीं दस्तावेज नहीं मिलने पर उन लोगों को चिन्हित किया जाएगा और वाहन को जब्त किया जाएगा, जिससे आने वाले दिनों में क्षेत्र में चोरी की वारदातों पर भी अंकुश लगेगा। जी सर, अभी आने वाले 2 महीने में पुलिस मुख्यालय की ओर से आदेश निर्देश जारी हुए हैं व्हीकल डिस्पोजल के। जितने भी थानों में व्हीकल्स हैं, चाहे मुकदमे में जब्त हो या लावारिस हालत में जब्त हो, उनके डिस्पोजल के लिए प्रयास किए जाएंगे। इसके लिए अधिकारियों के दिशा निर्देश के अनुसार उनकी अलग अलग सूची बनाई जाएगी, जिस भी हेड में वो जब्त है और जिनका जिस भी तरीके से डिस्पोजल हो सकता है वो डिस्पोजल करने के प्रयास किए जाएंगे। और इसके साथ ही एक अलग अभियान चला है, उससे जो चोरी होती है व्हीकल्स की उनका आइडेंटिफिकेशन होगा। डोर टू डोर सर्वे किया जाएगा। प्रत्येक बीट कांस्टेबल अपने बीट में जाएगा और डोर टू डोर जाके चेक करेगा व्हीकल का रजिस्ट्रेशन, इंजन नंबर, चेसिस नंबर, ताकि उसका आइडेंटिफिकेशन हो के कि ये व्हीकल से रियल है या फर्जी या चोरी का है, तो उससे चोरी पे लगाम लगेगी। साथ ही व्हीकल्स का पूरा बायोडाटा पुलिस के पास रहेगा। साथ ही शहरी क्षेत्रों में उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार व्हीकल के डोर टू डोर सर्वे के साथ साथ किराएदारों का सत्यापन भी हो जाएगा। ऐसा अभी पीएचक्यू की गाइडलाइंस के अनुसार अगले 2 महीनों में ये काम कंप्लीट किया जाएगा। सर नाम और पता? नाम और सर पता। उदय सिंह मीणा, डिप्टी एसपी, सर्कल बांदीकुई।